हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये मिंट लगाया हुआ है जो घर में बच जाती है मिंट सारी पत्तियां ले लेने के बाद, तो इसको कोको क्वायर में, तो ये देखिए गीला है। तो फ्रेंड, ये वीडियो मैं मिंट को बताने के लिए नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि नेट शेड यहाँ पे नहीं लगा हुआ है जिस जगह पे लगाया हुआ है। तो मैंने कुछ इसमें इंतज़ाम किया है, आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। ये देख रहे होंगे पीछे सनलाइट आ रही है, ठीक है, महसूस हो रहा होगा आपको, ये दिख रही होगी आपको सनलाइट यहाँ से। इधर अंधेरा है, इधर सनलाइट है, ये देखिए मेरी उंगली, ठीक है, ये ऐसे मिंट पे भी जा रही है। तो मुझको इसमें कम रोशनी चाहिए थी, क्योंकि ये जल सकता है, छोटा सा है, तो उसके लिए एक इंतज़ाम किया गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे आप सनलाइट को काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं दिखाता हूँ, इसमें रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल किया गया है। तो एक ब्लैक कलर का रिफ्लेक्टर है जो घरों में कई बार लगे रहते हैं, शीशे का नहीं। तो ये क्या करता है कि 30-40% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो मैं रिफ्लेक्टर दिखा रहा हूँ कि इसमें कहाँ से एक्चुअली में रोशनी आ रही है। वो फ्रेंड रिफ्लेक्टर ये है, आपको दिख रहा होगा शेड के बगल से चमकदार, ठीक है, वो लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। तो उससे होता क्या है कि 30-40% रिफ्लेक्शन उसमें हो रहा है, तो जो हीट रहेगी वो भी बहुत कम रहेगी, और इसको जितनी लाइट रिक्वायर्ड है वो लाइट इसको यहाँ से ये देखिए मिल रही है। तो आप इसको अपने ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पे ठंडा हो। आप इसको ठंडा रखने के साथ लाइट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर बाकी चीज़ें इंतज़ाम नहीं है। बड़े स्तर पे भी किया जा सकता है, 2-3 डायरेक्शन में रिफ्लेक्टर लगा के, काले रंग की शीट आती है वो खरीद लें अगर बाज़ार से, तो ये प्लास्टिक की होती है, पॉलीविनाइल ऐसे कुछ बोलते हैं इसको, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं कि क्या बोलते हैं, पर रिफ्लेक्शन होना चाहिए कुल मिला के। आप एल्युमिनियम शीट से भी रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, तो उसका आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लगभग सभी तरीके की रेज, जितनी वेवलेंथ की रेज है, कुछ तो पास थ्रू हो जाती है, रिफ्लेक्ट नहीं होती है, लेकिन जो इसके काम की होती हैं वो सारी ही इसको मिल जाती हैं। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं फ्रेंड, और ये तरीका काफ़ी अच्छा है, और मैंने इसका इस्तेमाल किया है गर्मियों के मौसम में। तो मतलब ये कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, मैं कभी इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आप अलग अलग सन का जो मूवमेंट होता है उसके हिसाब से आप अलग अलग रिफ्लेक्टर लगा सकते हैं, जिससे मोस्ट ऑफ द टाइम आपके प्लांट को लाइट मिलती रहे। एक बार आपने लगा दिया, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, प्लांट आपके ठंडी जगह पर रखे हुए रिफ्लेक्शन से उसमें लाइट आ रही है। एक पूरे दिन का काम होता है, बस उसको कर लीजिए आराम से, या आपके प्लांट चलेंगे। तो बस इसमें और ज़्यादा कुछ कहने लायक है नहीं, बस सीडलिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, और थोड़े बड़े प्लांट भी हो रहे हैं तो उसके लिए भी ठीक है। और अगर आप इसको लक्स मीटर वगैरह से चेक करेंगे तो रीडिंग ऐसे ही आती है इसकी, करीब 13,000-15,000 के बीच में। तो ये काफ़ी, जैसे जैसे अभी तो मान लीजिए थोड़ा कम धूप है, तो जैसे ही धूप बढ़ती है तो इसका रिफ्लेक्शन और ज़्यादा हो रहा होता है, क्योंकि धूप भी इंटेंस हो जाती है, तो ये अच्छे से काम करता है। तो बस इस तरीके से करिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, क्योंकि जितना आप लोग लाइक शेयर करते हैं उतना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझको। तो ठीक है, छोटा ही सा वीडियो है, लेकिन चूँकि एक एक्सपेरिमेंट है,
और मैं पहले भी कर चुका हूँ ये बताने के लिए, आप लोग के लिए फिर से किया है। तो ठीक है फ्रेंड, वीडियो एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।